हेलो दोस्तों, बीएस कंप्यूटर एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमें बीएस कंप्यूटर एकेडमी में ऑनलाइन एडमिशन या रजिस्ट्रेशन करना है अपने मोबाइल फ़ोन से, तो हम कैसे करते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गूगल क्रोम पर क्लिक करना होता है। गूगल क्रोम पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सर्च बॉक्स में हमें वेबसाइट टाइप करनी होती है, www.bseducationinstitute.com। ठीक है, इतना टाइप करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा। ठीक है, इंटरफेस आने के बाद में ये गूगल मैप के एरिया बताएगा कि अगर आप गूगल मैप पे संपर्क करना चाहते हैं तो गूगल मैप पे संपर्क कर सकते हैं, बट हमें तो ऑनलाइन एडमिशन लेना है तो हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना होता है। इस तरीके से क्लिक करने के बाद में तो आपके पास फ़ोन में इस तरीके से एक पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट में आ रहा है जो स्टूडेंट एडमिशन, यहाँ पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा ये, जो आपको टाइप करनी है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले स्टेट, आप किस स्टेट में आते हैं आपको टाइप कर देना है। यहाँ पर सिटी, किस सिटी से आते हैं आप, और यहाँ पर नाम टाइप करेंगे, जिनको यहाँ पे एडमिशन लेना है उनका नाम टाइप करेंगे। नाम टाइप करने के बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करनी होती है एक। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक मोबाइल नंबर टाइप करना होता है जिस, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको एक कोर्स चूज़ करना है, जो कोर्स आप करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे आपको, तो मैं यहाँ पे एक कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कोर्स सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जेंडर चूज़ करना होता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया मेल। मैरिड स्टेटस कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड, मतलब अदर नेम डालना होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे माताजी का नाम डालना होता है, मदर नेम पड़ जाएगा यहाँ पे। दोस्तों, एक जानकारी मैं बता दूं आपको कि किसी भी फॉर्म को अगर हम भरते हैं तो उसमें मिस्टर, मिसेस, श्रीमान, श्रीमती ये नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होती है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ठीक है, इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल, एसटी, एसटी, ओबीसी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से टाइप कर देना है। यहाँ पे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी आप होंगे, जिस कैटेगरी से आते होंगे वो टाइप कर लेना होता है। क्वालिफिकेशन में जो आपने पढ़ाई कर रखी हो, ठीक है, या यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे एक एड्रेस टाइप करना होता है कि आप किस एड्रेस से आते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने एरिया का पिन कोड डालना होता है। उसके बाद में यहाँ पे इंक्वायरी करनी है, जैसे कि आप स्टूडेंट के जरिए आए हैं हमारे यहाँ पे, या फ्रेंड्स के, या आपने फिर सोशल मीडिया से किस तरीके से हमारे सेंटर के बारे में जाना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना होता है जिस तरीके से आपने सर्च किया है। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, ठीक है, जो कि आप हमेशा याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे आपको, जैसे कि सिग्नेचर, प्रोफाइल इमेज, आधार कार्ड, बैक साइड और फ्रंट साइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले से ही मैंने फ़ोन में अपने फ़ोटो खींच के रखे हैं, आप भी इस तरीके से पहले से फ़ोन में फ़ोटो खींच के रखेंगे। तो पहले सिग्नेचर सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद में प्रोफाइल इमेज में आप प्रोफाइल इमेज जो आपकी फ़ोटो होगी वो ले लेना है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद में आपको अपना डाटा अच्छे से चेक कर लेना है कि हमने कहीं पे गलत तो टाइप नहीं कर दिया है। ठीक है, ये चेक करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाएगा, इसको सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में, जो हमेशा के लिए सेव रह हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से सबमिट हो गया है। सबमिट होने के बाद में उसके बाद में आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप ऑनलाइन अगर फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप पेमेंट की हिस्ट्री देख सकते हैं। जैसे कि इस कोर्स की जो फ़ीस टोटल है वो 6,300 रुपये में कम्प्लीट कोर्स है। आप